तो आज आम गोटे बहुत इम्पोर्टाट इंग्लीश एसे शिखा जार नाम कोरोना भाइरस ए ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमानिटी। कोरोना भाइरस ए ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमानिटी। ग्रेट माने महान, थ्रेट माने धमक, ह्यूमानिटी माने मानविकता। तो कोरोना भाइरस मानविकता गोटे महान धमक बा अभिशाप बोली तुम्हें कहीपर। कोरोना भाइरस सहित तुम्हें पूर्वर परिचित, कोरोना भाइरस को तुम्हें चिन्हिच। 2019 सर्भाइव करके आसीच माने निश्चित भाव में तुम्हें कोरोना भाइरस को चिन्हिच। कोरोना भाइरस द्वारा कौन कौन क्षति होती से विषय में तुम्हें पूर्वर जाच। कोरोना भाइरस हूँ गोटे भाइरस नाम, आउ यही भाइरस जो रोग को तैयारी करी से रोगर नाम हो COVID-19। बुझीला एक्चुअली भाइरस नाम हो SARS-CoV-2। कोरोना भाइरस इनभेनसन हो सारे 1930 पाखु। तुम्हें देखी थो डेटल बोतल ले लिखाही था इट कैन किल कोरोना भाइरस है। तो गोटे पिला मत कहला देख ये 2018 डेटलटा तैयारी कि लिखाई इट कैन किल कोरोना भाइरस। तमें से पूर्वर ही जानते जे कोरोना भाइरस गोटे आसीबो बोली। कोरोना भाइरस नुआ भाइरस नुहे, कि बहुत पुराणा भाइरस। 1930 कोरोना भाइरस इनभेनसन सरला से आम कोरोना भाइरस विषय जाणि सारी। कोरोना भाइरस मान गोटे ग्रुप अफ भाइरस से मैंने एमने केमती रोग तैयारी करती जमीक छिंक काश साधारण थंडा बुझीला ना। भिन्न भिन्न प्रकार कोरोना भाइरस अच्छा एवं जो 2019 जो कोरोना भाइरस बाहर सी नुआ कोरोना भाइरस थिला एत शीघ्र व्यापिला जे रोगटा आम से भाइरस नामकरण भी करे। तो प्रथम प्रथम कहला नोवल कोरोना भाइरस, नोवल कोरोना भाइरस। तापर धीरे धीरे तार नामकरण करागला SARS-CoV-2। बुझीला ना। तो बुझिपाल तुम्हें टाइटल को कोरोना भाइरस ए ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमानिटी। जिते बड़े भी तुमको कौन से एसे लिखापी कह तुम्हें प्रथम आउटलाइंस को देख, एसेर आउटलाइंस को देख जहाँकि तुमको प्रश्न ही दि जाइ थ बुझीला ना। एमती नुहे तुम्हें घर घुसिक कौन से एसे आटो जा तुम्हें कपी मारदेल परीक्षा खातारे तो तुमको सेठे ठीक नंबर मिली न पारे। बुझीला ना। कहीं तुम्हें लिखि एसेर आउटलाइंस एसे जो सब पाराग्राफ अच्छी से सब हुए तो दि जाइवा आउटलाइन सहित मैच कर न पारे से तुमको सठिक मूल्यांक मिलना। किंतु जदि तुम आउटलाइन अनुजाई लिखुच तेल निश्चित भाव में तुमको भल नंबर मिलवा उचित। बुझीला ना। यहीपरी भाव में तुम मार्किंग कराए आउटलाइन हिसाब से जो तुम लिख तुमको भल मार्क निश्चित भाव में मिल से ही जमापड़ तुम प्रेजेन्स अफ माइंड केमी अच्छी, उपस्थित बुद्धि, पावर अफ इमाजिनेसन केते सुंदर तुम्हें इमाजिन कर पार्च, केते कथा तुम्हें भाभी पार्च। बुझीला एसे बा प्रबंध यहीपाई तो लिखापी दि जाए ना जे पिलाटी केते भाभी पारुची, तार भावना शक्ति केते, केते कथा इमाजिन कर पार्ची, तार प्रेजेन्स अफ माइंड केमी अच्छी, से कौन कौन कथा जाणी ए विषय। बुझीला ना। घर जो एसे पढ़ी जाइ तुम्हें जदि सेम जिनस को उतारी देल हुए तो तुमको से नंबर मिल न पारे। बुझीला से तुम्हें सब बड़े आउटलाइंस को देखिक एसे लिखापी ट्राए कर। जमीक देख एठार आउटलाइन दि जाइए इंट्रोडक्शन ह्वाट कोरोना भाइरसेस आर, कोरोना भाइरस कौन। इंट्रोडक्शन आम लिखा कोरोना भाइरस कौन, COVID-19 द डिजीज दे कॉज। COVID-19 जो डिजीजा कोरोना भाइरस द्वारा होता है डिजीज माने कौन एठार रोग हला। COVID-19 हूँ रोगर नाम, भाइरस नाम हूँ कोरोना भाइरस। जमीक एड्स रोग, रोगर नाम हूँ एड्स, भाइरस नाम हूँ HIV। बुझीला ना। HIV रो फुल फॉर्म कौन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बुझीला ना। चलो ठीक अच्छे द डिजीज दे कॉज से माने कौन डिजीज तैयारी करती तार नाम हूँ COVID-19। कौन डिजीज ना COVID-19 इट्स ओरिजिन यार सृष्टि विषय तुम्हें लिख माने कोरोना भाइरस केमती सृष्टि होता कौ जगार होता या विषय भी तुमको लिखापी पड़ो। हाउ इट्स स्प्रेड्स ये केमी व्यापी जाए केमती स्प्रेड हुए। बुझीला इट्स सिम्टम्स, सिम्टम्स मान यार लक्षण, ये रोगर लक्षण विषय तुमको लिखापी पड़ो। प्रिभेन्टिव मेजर्स एगेन्स्ट इट तो या विरुद्ध प्रिभेन्टिव मेजर्स निवारण बा निराकरण कौन अच्छी, निराकरण उपाय कौन अच्छी। प्रिभेन्टिव मेजर्स जमीक सेल्फ आइसोलेसन, सोशल डिस्टेंस, वेयरिंग मास्क, सानिटाइजिंग योर हैंड्स, ये सब गुड़ा थिला तुम्हारा प्रिभेन्टिव मेजर्स।
स्टेप्स टेकन बाय दि गवर्नमेंट्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। गवर्नमेंट द्वारा बा सरकार को द्वारा कौन कौन स्टेप नियाजाई छी, कौन कौन पदक्षेप नियाजाई छी एहारो निवारण पाई बा निराकरण पाई प्रिवेंशन पाई बुझेला ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कादुओ को जीवा कहीं कि गोड़ धोईबा कहीं कि बुझेला। चलो वर्तमान आम आरंभ करिबा इंट्रोडक्शन रु व्हाट कोरोना वायरसेस आर। देखो कोरोना वायरसेस आर ए फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज डिजीजेस इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो कोरोना वायरसेस आर ए फैमिली ऑफ वायरसेस, ए फैमिली ऑफ वायरसेस और ए ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज डिजीजेस इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये ग्रुप ऑफ वायरसेस जो मैंने कि मनुष्य शरीर में आ पशु मान शरीर में रोग सृष्टि करती बुझेला। ए वायरस कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो गोटे वायरस को जगह रेप्लिकेट कर परिबो, रेप्लिकेट माने होची नकल करबा, जेरॉक्स कर दबा, रेप्लिकेट बुझेला ना। आमर जो कोष अछि ना, आम कोष भितरे गोटे अंगिका अछि, गोटे सेल ऑर्गेनेल अछि जहार नाम होची राइबोसोम। राइबोसोम को आमे प्रोटीन फैक्ट्री बोली कहिथाउ, प्रोटीन नो जेरॉक्स मारे से बुझेला। एबे कोरोना वायरस जदि जाई कि राइबोसोम पाखरे पहुंची जीवो, राइबोसोम आम कोषर राइबोसोम कोरोना वायरस को ही जेरॉक्स मार दबो, तार फोटोकॉपी बाहर कर दबो, तो ताकू से रिप्लिकेट कर दबो, तार नकल बाहर कर दबो बुझेला ना। तो गोटे लिविंग सेल भितरे पसिले ही वायरस टा रिप्लिकेट हो पारिबो, तार वंश वृद्धि कर पारिबो बुझेला ना। ए वायरस कैन रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म माने गोटे जीव, जीव शरीर लिविंग सेल भितरे ही तार रिप्लिकेट हो पारिबो। द डेडलीएस्ट ऑफ देम इज द नोवेल कोरोना वायरस। सबुठारु मारात्मक सेमानंक मध्यरु नोवेल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस मानंक मध्यरु सबुठारु मारात्मक हेउची नोवेल कोरोना वायरस बुझियाला। द डिजीज कॉज्ड बाय दिस वायरसेस इज कॉल्ड कोविड 19। एही वायरस मानंक द्वारा जेऊ डिजीज कॉज हुए, जेऊ रोग हुए ताहाकु कोण कुआ जाय, कोविड 19 बोली कुआ जाय बुझियाला। काहे कि ना 2019 मसीह प्रथम यहाँ ठाब कर प्रथम चिन्हट कर कौटी चाइनार वुहान सहर से मन अच्छे चाइनार वुहान है चाइना लोक मैंने जहाँता जिनस खाई कहुचे से कौन सी पशु पक्षी किंबा सरीसृप बादुड़ी साप ये भाया जीव मान नाम आसुच्छे से बडी आसी भूताणु बुझेला ना। ये सबुठ डेडलीएस्ट। The disease caused by these viruses is called COVID-19. बुझेला यही वायरस मानक द्वारा होता रोग को आम कह COVID-19। तापर देखो व्हाट कोरोना वायरसेस आर खत्म हो गला, तापर COVID-19 द डिजीज दे कॉज से विषय आम देखा। देखो ये केतटा आउटलाइन अच्छी, गोटे दीटा तीन टा चारटा पांचटा छटा सतटा सेवेन आउटलाइंस बुझेला। तुमको प्रति आउटलाइन पर 40 वार्ड लिखिया पई पड़िबो, 728 280 वार्ड्स हो गला, बहुत बेसी हो गला। जेतेबेले कि तुमको कहा जाय था 250 वार्ड्स रे एसे लिखिया पई, 250 वार्ड्स बुझेला, एसे तुम्हें लिखिबो 250 वार्ड्स रे। तुम्हें जदि ईच लाइन पई एठी 40 वार्ड्स भी लिखि दउछ ना, ताले 280 वार्ड्स हो जाउछ, बहुत बेसी हो जाउछ। किंतु तुम्हें 280 वार्ड्स रे लिखिबनी, 250 वर्ड्स भितरे लिखिया पई ट्राए करिवो ना, ताटू बेसी कम किंबा ना ताटू अधिका बुझियाला ना। कम लिखिवनी कि बेसी लिखिवनी, 250 पाखा पाखी लिखिवो, माने 5-10 वर्ड कम बेसी हेले किछ असुविधा नै। तमे कहबो मु 300 वर्ड रे लिखि देबी, लिखि देले किछ लाभ नै, टाइम तमरो वेस्ट होबो से जगह रे, खाली 250 भितरे ही लिखिवो बुझियाला। देखो आमे एठी जिबा COVID-19 द डिजीज दे कॉज। COVID-19 इज एन इनफेक्टोस डिजीज। इनफेक्टोस डिजीज माने हेउची कम्युनिकेबल डिजीज, माने डिया रोग जेटा कोई परिबो हला। इट कॉजेस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रे, रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र रे इलनेस तयारी करे। इलनेस माने असुस्थता बुझेला। कहा को एफेक्ट करे ये ना, हमरा लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफेक्ट करे।
इट कॉजेस इलनेस इन द रेस्पिरेटोरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन ह्यूमन माने मनीष मनीषर रेस्पिरेटोरी सिस्टम रे ये इलनेस तैयारी करे असुस्थता जन्माए इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कंटैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो ये पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट रे स्प्रेड होउची गोटे लोक पाखरु आ गोटे लोक पाखकु कंटैक्ट हेले से माने परस्पर संस्पर्श रे आसिले रोगोटी स्प्रेड हो जीवो बुझीला ना कोविड 19 वाज फास्टली आइडेंटिफाइड इन डिसेंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना चाइनार वुहान सिटी रे प्रथम थर पई कोविड 19 डिजीज को ठाब करा जाइथिला बुझीला कोविड 19 वाज फास्टली आइडेंटिफाइड इन डिसेंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना चाइनार वुहान सिटी रे प्रथम थर पई आमे कोविड 19 डिजीज को ठाब करथिले आइडेंटिफाई करथिले बुझीला इट हैज नाउ स्प्रेड रैपिडली टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्तमान समय रे ये पृथ्वीर बहुत गुड़ा अंश को व्यापी जाइछि बुझीला गोटे जगार बाहर की गोटे छोट शहर रु चाइनार गोटे शहर रु बाहर की पृथ्वीर सब जगह को व्यापी गला कोविड 19 जहाँ कि कोरोना भाइरस द्वारा होता बुझीला ना तो आम एठी दुईटी आउटलाइन लिखिदेलु पाराग्राफ तापर आम देखा इट्स ओरिजिन विषय है यार ओरिजिन यार सृष्टि विषय देखा एबे देख इट्स ओरिजिन यार ओरिजिन बा सृष्टि केमती देखा कोविड 19 इज द मोस्ट रिसेंट डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द जंप ऑफ दिस वायरसेस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन तो एनिमल मानक पाखरु ह्यूमन को जंप करिछि विश्वास करा जाए बादुड़ी किंबा साप पाखरु हुए तो ये वायरसटा मनुष्य पाखकु आसीछि तापर देख इट इज सेड दैट कोरोना भाइरस मे हैव साइलेंटली एग्जिस्टेड इन चाइना एज अर्ली एज अक्टोबर 2019 एमिति कहा जाउची जे चाइना रे ए रोग अक्टोबर 2019 नु बाहर लानी किंतु साइलेंटली चाइना सरकार ताकु दबे के रखीतिला बाहर को बाहर करू नथला प्रकाश करू नथला जे ए रोगटा गुटे बाहर छि बोली बुझियला ना सेति पई देखो विश्ववासी केते असुविधा रे पड़िले चाइना पई केवल बदमाश चाइना गुडीकर देखो इट इज ऑल्सो सेड टू बी द फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरसेस टू ह्यूमन तो ये थिला आमर फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस टू ह्यूमन तापर आमे देखिबा हाउ इट स्प्रेड्स ये केमिति स्प्रेड हुए केमिति व्यापी चले केमिति इफेक्ट करे लोको को केमिति प्रभावित करे कोविड 19 इफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज सम पीपल आर इन्फेक्टेड बट डोंट नोटिस बाय एनी सिम्टम्स देखो अलग अलग लोक को अलग अलग उपाय रे कोविड 19 डिजीज इफेक्ट करी थाए किछि लोकों को रोग तो है ही थाए किंतु सिम्टम्स किछि न थाए लक्षण किछि न थाए रोगर एमती काश छिंक एसब किछि हुए नी बुझीला ना थंडा भी हुए नी रोग किंतु भाइरस भितरे थाए किंतु किछि हुए नी बुझीला ना काहेकि ना तांकर इम्यूनिटी सिस्टम सेते भल रोग प्रतिरोधक शक्ति सेते भल आस द वायरसेस एफेक्ट्स द लंग्स ऑफ द ह्यूमंस तो ये वायरस माने कहाँ को एफेक्ट करती लंग्स ऑफ द ह्यूमंस लंग्स माने बुझी पार्छ तो फुसफुस मनीषर फुसफुस को आक्रांत करती माने फॉर मोस्ट पीपल कोविड 19 कॉजेस माइल्ड इलनेस अधिकांश लोकों पर सामान्य इलनेस तैयारी हुए सामान्य असुस्थता देखा जाए माइल्ड इलनेस माने सामान्य असुस्थता टिके देह खराब हुए तापर ठीक हो जाए पुणी बट इट कैन मेक सम पीपुल भेरी इल किंतु ये किछि लोकों को बहुत असुस्थ करी पारे इल माने कौन असुस्थ बुझीला तो किछि लोकों को ये इफेक्ट करी पारे आ बहुत असुस्थ कर दिए इवन द डिजीज कैन बी भेरी फटल फटल माने घातक हैला तो यही रोगटी घातक सब्यस्त मध्य हेई पारे बुझीला जेमती कि हेई छि पृथ्वी पई घातक सब्यस्त हेई छि बहुत लोक यही रोग रे पड़ी कि मृत्युवरण मध्य करिसेंती खास करके बुढ़ा लोक मैंने जो मन को डायबिटीज रोग होबा अन्य कौन सी रोग आगु ही शरीर में अच्छी आदि कोरोना भाइरस से लोक को अटैक करुच्ची ताले सी मृत्यु मुखरे मध्य पड़ी पारे बुझीला ना हालत बहुत ही सीरीयस हो जाए पारे आ बहुत लोक मृत्युवरण मध्य कर 2020 आउ 21 मसीहा जब तुम्हें देख बहुत लोक यही रोग से पड़ कि मृत्युवरण करम ओडिशा ही केते लोक आत्मीय स्वजन मान को हरई देखो कोविड 19 इज द मोस्ट रिसेंट डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द जंप ऑफ दिस वायरसेस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इन्फेक्शन इट इज सेड दैट
कोरोना वायरस मे हैव साइलेंटली एग्जिस्टेड इन चाइना एज अर्ली एज अक्टोबर 2019. इट इज ऑल्सो सेड टू बी द फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरसेस टू द ह्यूमंस. कोविड 19 एफेक्ट्स डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट वेज. सम पीपुल आर इन्फेक्टेड बट डोंट नोटिस बाय एनी सिम्टम्स. द वायरसेस एफेक्ट द लंग्स ऑफ ह्यूमंस. फॉर मोस्ट पीपुल कोविड 19 causes mild illness, but it can make some people very ill. Even the disease can be very fatal. Fatal माने घातों को सब्यस्त मध्य है ही पारे. बुझेला? तापरे हमें देखिबा its symptoms. यहाँ रो लक्षण गुड़ी का कौन कौन? लक्षण गुड़ी का हमें जानी चुक हली. लेकिन अब कौन कौन लक्षण देखा जाए? चलो आगे बुझिबा. अबे देखो COVID-19 disease रो symptoms. Symptoms of COVID-19 disease. डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग. निश्वास प्रश्वास नेबारे असुविधा. श्वासक्रियारे असुविधा. कॉमन कोल्ड साधारण थंडा. स्नीजिंग माने आछी छिंक हला. ड्राई कफ माने सुखिला काश. फीवर माने ज्वर एक्सेट्रा आर इट्स कॉमन सिम्टम्स. यार कॉमन सिम्टम्स बा लक्षण गुड़िक हला डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, ड्राई कफ आउ फीवर. बुझेला? ओल्डर पीपुल एंड पीपुल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज एक्सेट्रा आर इजिली इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस द्वारा कौ लोक मैंने इजिली इन्फेक्टेड हो जाती ना? ओल्डर पीपुल बुढ़ा लोक मैंने. एंड पीपुल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज एक्सेट्रा. तो जो लोक मैंने पूर्व ही किसी मारात्मक रोग में पड़ी था आ वृद्ध लोक मैंने इजिली कोरोना वायरस द्वारा एफेक्टेड हो जाती, इन्फेक्टेड ही जानती. बुझेला? चलो वर्तमान आम देखा प्रिभेन्टिव मेजर्स एगेन्स्ट इट. यार निवारण कौन कर बुझेला ना? निराकरण आम केमी कर. प्रथम प्रथम तो वैक्सीनेशन व्यवस्था नाला ना. मूल जिते आम कोरोना भाईरस बाहर से कौन वैक्सीनेशन थिला कि थिलानी ना? तो आम लिखा एट फास्ट माने प्रथम दे आर ओयर नो वैक्सीन और रिलायबल मेडिसिन टू क्योर कोविड 19. प्रथमे प्रथमे कोविड 19 को क्योर करिया पे कौन सी वैक्सीन किंबा मेडिसिन रिलायबल मेडिसिन नथिला. बट टुडे द वैक्सीन ऑफ दिस डिजीज डज एग्जिस्ट. किंतु आज यही रोगर वैक्सीन एग्जिस्ट करुछी अर्थात उपलब्ध अच्छी. बुझेला? समस्ते कोविड 19 वैक्सीन नहीं चो तो ठीक अच्छे दुटा डोज नहींच. चलो ठीक अच्छे. अतिरिक्त डोज किए नहीं तुम भितर जो मैंने नहींच अतिरिक्त डोज कमेंट बक्स में लिखिक जन देखा कौ मैंने अतिरिक्त डोज गोटे नहींच. आस देखा बुस्टर डोज तक कहपर देख कड़े गला. टू एवॉइड इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को एवॉइड करने वी शुड टेक् सम सिंपल प्रिकॉशंस. आमको किसी सिंपल प्रिकॉशंस नापी पड़ कौन कौन? वाशिंग हैंड्स विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड वाश. अल्कोहल बेस्ड हैंड वाश रे आम हाथ धोवा जहाँ को आम सानिटाइजर बोली कही था. बुझेला ना? वाशिंग हैंड्स विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड वाश और सोप. साबुन द्वारा भी हाथ धोई पार किसी असुविधा नहीं. मेन्टेनिंग सोशियाल डिस्टेंस. सामाजिक दूरता रक्षा करिबा. एवॉइडिंग गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस. क्राउडेड प्लेसेस माने जनगहलीपूर्ण स्थान को जीवा एवॉइड करिबो हला. जीवनी जनगहलीपूर्ण स्थान को. सेल्फ आइसोलेशन. निजो को निजे गोटे घर भितर बंद करनबा हला. कोठी की भी जीवो नहीं. जदि तुमको कोविड हो जाए तो गोटे घर भितर रही जाओ कोठी की जाओनी नहले तुमको तुम्हें खाली स्प्रेड कर से रोग को नहीं कि हुए तो तुम किसी क्षति हेनी कि तुम स्प्रेड करदेव गोटे बुढ़ा लोक को मरजी बेचारा लोक. बुझेला ना? से सेल्फ आइसोलेशन भी दरकार. तो कौन कौन रहा? वाशिंग हैंड्स विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड वाश और सोप. मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस. एवॉइडिंग गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस. सेल्फ आइसोलेशन आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट दि स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज. तो यही डिजीज रो स्प्रेड को अटकेवाई है तो कौन कौन आम प्रिकॉशंस नहीं पार से विषय आम कथा हो गलु.
से सबको तुम लेखिनि शेष गोटे पाराग्राफ लिखा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स फॉर इट्स प्रिवेंशन अर्थात कोविड 19 डिजीज रो प्रिवेंशन निराकरण गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सब पदक्षेप नि सरकार द्वारा कौन कौन सब पदक्षेप नि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स फॉर इट्स प्रिवेंशन देखो फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस हैज नाउ बिकम द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पृथ्वीर प्राय समस्त देश में जितकी भी सब सरकार अच्छा गवर्नमेंट्स अच्छा से प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य दायित्व कौन ना फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस विरुद्ध लड़े करवा हूँ समस्त प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य दायित्व मुख्य कर्तव्य बुझेगा तापर देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशन टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्तमान भारत सरकार कौन करुची ना तार प्रत्येक सिटीजन को प्रत्येक नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट रे बिल्कुल मागणारे वैक्सीन जोगे दूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशन टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मागणारे वैक्सीनेशन जोगे दिया जाउची बुझियला द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स लाइक लॉकडाउन शटडाउन फिक्सिंग ऑफ कंटेनमेंट जोन्स सेटिंग ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स एंड क्वारंटाइन सेंटर्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा तो गवर्नमेंट आउ कौन कौन सब पदक्षेप नहींथला ना लॉकडाउन शटडाउन फिक्सिंग ऑफ कंटेनमेंट जोन्स सेटिंग ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स एंड क्वारंटाइन सेंटर्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग सोशल गैदरिंग को रेस्ट्रिक्ट करा जाइथिला कोविड हॉस्पिटल सब स्थापन करा जाइथिला क्वारंटाइन सेंटर सब स्थापन करा जाइथिला तो गवर्नमेंट द्वारा यही सब पदक्षेप निया जाइथिला इट इज होप्ड दैट एक कथा आशा करा जाउछि कि जे विथ द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ पीपल लोक मानकर समुदाय जो रही कोऑपरेशन द्वारा सेमानकर सहयोग द्वारा कोऑपरेशन माने कौन सहयोग द्वारा कोरोना वायरस कैन बी इरेडिकेटेड वेरी सून इरेडिकेटेड माने होउछि वैनिश्ड खत्म हो जीव लोप पाई जीव आउ रहिबो नाही बुझीला तो लोक मानकर कोऑपरेशन फल दिने ना दिने कोरोना छाड़ी पलेब इट इज होप दैट विथ दि होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ पीपल कोरोना वायरस कैन बी इरेडिकेटेड वेरी सून बहुत शीघ्र कोरोना वायरस पृथ्वी पृष्ठ आउ रही बुझीला तो एथिस सहित कोरोना वायरस ए ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमानिटी नामक जो प्रबंध थिला बा एसे थिला से एसे को आमे कंप्लीट कर देछु आउ निश्चित भाव में तुम तुम क्रिएटिविटी देखेबो नाउ शो योर बेस्ट क्रिएटिविटी इन योर एग्जाम पेपर्स विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच।